हेलो दोस्तों, आईजी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इंटरनेट की दुनिया में हम वाईफाई बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। लैन कनेक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वाईफाई हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। आज का जो वीडियो है वाईफाई के बारे में ही है। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ बताऊँगा। पहला ये कि एक पर्टिकुलर वाईफाई का प्रॉब्लम मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, कैसे उसको सॉल्व करना है। दूसरा ये कि मान लीजिए आप कभी वाईफाई का पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको कैसे रिकवर करना है। आइए तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा विंडोज स्क्रीन है। इस कंप्यूटर पे वाईफाई की प्रॉब्लम आ चुकी है। इस प्रॉब्लम को हम आज देखेंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है वो भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये वाईफाई का आइकॉन को मैंने क्लिक कर दिया है। ये मेरा वाईफाई पॉइंट है D2300 के नाम से। SSID नाम इसका D2300 है। मैं इसको जब क्लिक करता हूँ, देखिए क्या मैसेज आता है, कनेक्ट होता है या नहीं होता है। ये देखिए कनेक्ट नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए मैसेज आ गया, कांट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क। अब यहाँ पे एक नॉर्मल यूजर के लिए बहुत ही मुश्किल है कि इसको ये किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। क्या मेरा वाईफाई खराब हो गया है? क्या मेरा जो एक्सेस पॉइंट है वो खराब हो गया है? क्या मेरा पासवर्ड गलत है? क्या मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है एक नॉर्मल यूजर को। अगर पासवर्ड गलत हो तो पासवर्ड प्रॉम्प्ट करना चाहिए, पासवर्ड प्रॉम्प्ट भी नहीं कर रहा है पासवर्ड डालने के लिए। तो ऐसे केस में क्या करें? देखिए क्या होता है ना, जब भी ये वाईफाई आइडेंटिफाई हो जाता है तो सबसे पहला स्टेप होता है वाईफाई को ऑथेंटिकेट करना, कनेक्ट करने के लिए। अब इसमें क्या हमारा ऑथेंटिकेशन ठीक से हो रहा है, अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन तो दे नहीं रहा है जिससे हमें पता चले कि भाई ये रॉन्ग पासवर्ड है या सही पासवर्ड है, क्या है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ। बहुत सिंपल सा स्टेप्स है और बहुत इजी भी है। अगर इसको आप ठीक से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इजी है इसको रिजॉल्व करना, इस तरह के वाईफाई के प्रॉब्लम को कितना इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा आपको। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए मैं सर्च में चले जाता हूँ। यहाँ से सर्च में जाके आप यूज कर ले सकते हैं कमांड। मैं ये विंडोज 8.1 यूज कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज का कोई और वर्जन यूज कर रहे हैं तो कहीं और हो सकता है ये सर्च का ऑप्शन, तो आप वहां पे जाके आप CMD ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखना है कि कमांड प्रॉम्प्ट को डबल क्लिक करके ओपन नहीं करना है, इसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यहाँ पे परमिशन यस कर देना है। अब देखिए इसमें कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया है। इसमें एक कमांड टाइप करना है। इसमें कमांड है नेट SHWLAN शो प्रोफाइल्स। ये क्या करेगा, अभी तक मैंने जो भी वाईफाई से कनेक्ट किया है वो लिस्ट बता देगा। यहाँ पे हमारा वाईफाई में जो प्रॉब्लम है वो D2300 वाला वाईफाई है, जो उसमें प्रॉब्लम है, जो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। जब भी हम वाईफाई पे कनेक्ट करते हैं कोई भी, तो फर्स्ट टाइम जब हम पासवर्ड डालते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में वो पासवर्ड सेव हो जाता है, जो सिस्टम में स्टोर होता है, सिस्टम मेंटेन करता है उसको। हमारे यहाँ पे भी 2300 स्टोर है, लेकिन क्या इसके अंदर वाईफाई का पासवर्ड जो स्टोर है वो करेक्ट है, वो हमें चेक करना पड़ेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करके। कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करके कैसे चेक करते हैं, इसके लिए कुछ कमांड है। अभी जो हमने ऊपर टाइप किया कमांड, हम वही टाइप कर लेते हैं। उसके आगे कुछ पैरामीटर्स लगाने होंगे, वो हम लगाते हैं अभी। ये देखिए, ये हमने पहले टाइप किया था, इसके आगे हम लगा देते हैं SSID, यानी कि SSID यानी कि जो हमारा वाईफाई का नाम है D2300 स्पेस की इज इक्वल टू क्लियर स्पेस पाइप फाइंड STR स्पेस की। तो ये कमांड है। तो ये कमांड टाइप करके जैसे ही हम एंटर करेंगे, सिस्टम क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में से पासवर्ड को रीड करेगा और आपके सिस्टम पे शो करेगा। आइए मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे की कंटेंट जो दिखा रहा है SFAR3E43, पता नहीं कौन सा पासवर्ड है। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पासवर्ड हो सकता है वायरस की वजह से चेंज हो गया हो,
और ये भी हो सकता है कि कभी मालवेयर की वजह से चेंज हो गया हो, और कोई और भी रीजंस हो सकते हैं, मे बी कुछ और रीजन हो। लेकिन अब यहाँ पे जो क्लियर जो दिखाई दे रहा है, ये पासवर्ड गलत है, ये मेरे वाईफाई का पासवर्ड नहीं है। मेरा वाईफाई का पासवर्ड बहुत ही सिंपल रखा था, ABCD1234 टेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, अब हमें वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है। कॉन्फ़िगरेशन के इसमें देखिए ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सिस्टम जो पास कर रहा है पासवर्ड, ये गलत पासवर्ड पास कर रहा है वाईफाई को, जो ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वाईफाई में जाना पड़ेगा। फिर से वाईफाई में जाने के बाद हम इसको राइट क्लिक करेंगे, फॉरगेट दिस नेटवर्क करेंगे, ठीक है, फिर से इसको क्लिक करेंगे और कनेक्ट करेंगे। अब देखिए पासवर्ड पूछ रहा है। अब यहाँ पे मैं एक्चुअल पासवर्ड जो है इसका वो डाल देता हूँ और इसको एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, करेक्ट है, हाँ ये करेक्ट है, और इसको नेक्स्ट करता हूँ, यस कर देता हूँ। ये देखिए पासवर्ड कनेक्ट हो गया है। अब इसका इंटरनेट भी चलना चाहिए, अगर ये ठीक से काम कर रहा है, कनेक्ट हो गया है तो ये चलना चाहिए। ये देखिए google.com का साइट खुल गया है, कुछ सर्च कर लेता हूँ मैं, IGIG ट्यूटोरियल सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए ये भी खुल गया, इसका मतलब इंटरनेट तो चल रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। देखिए अब क्या होता है, जब भी आप पासवर्ड इसमें डालते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में आइडियली सेव होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो इसमें चेक कर लेते हैं क्या ये कॉन्फ़िगरेशन में सेव हो गया है कि नहीं सेव हुआ है, जो सिस्टम में मेंटेन होता है। फिर से हम यही कमांड को टाइप करते हैं, अप एरो दबा के मैं वही कमांड, पूरे कमांड को ले आता हूँ। ये देखिए आ गया, अब एंटर करता हूँ। अब देखिए इसने ABCD1234 स्टोर कर लिया है अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। पहले जो स्टोर था वो गलत था, जिसकी वजह से वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था, अब ये करेक्ट पासवर्ड स्टोर कर लिया है। तो अब हम इसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट भी करेंगे तो कनेक्ट हो जाना चाहिए। ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, अब इसको कनेक्ट करता हूँ मैं, लेट्स सी कनेक्ट होता है कि नहीं। ये देखिए कनेक्ट हो गया। तो देखिए इस तरह से इस टाइप के वाईफाई के प्रॉब्लम को आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये कमांड के दो फायदे हैं, एक तो ये है कि आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो पासवर्ड सेव है वाईफाई का, ये आपको बता देता है गलत है या सही है, जो भी है। अगर गलत है तो आप उसको इस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया। और दूसरा फायदा इसका ये है कि आपको, मान लीजिए आपको दूसरा कंप्यूटर पे वाईफाई कनेक्ट करना है, सेम वाईफाई को कनेक्ट करना है, लेकिन आपको पासवर्ड याद नहीं है, पहले कंप्यूटर पे वाईफाई कनेक्टेड है लेकिन दूसरे पे डालने के लिए याद नहीं है, तो आप इस तरह से ये पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं और दूसरे कंप्यूटर में डाल के उसमें भी वाईफाई चला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। आपने सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी तो थैंक यू, और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की मैं टेक्निकल और लर्निंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए तो जल्दी ही मिलने की कोशिश करूंगा मैं आपसे कुछ नई टेक्निकल वीडियो और लर्निंग के साथ। थैंक यू।